हाँ, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है? हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। आ रहे भाई, आ रहे हैं। फंडामेंटल में पढ़ रहे थे हम लोग एनालॉग ऑफ कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो होता है दो आधार पे होता है, एक तो साइज के आधार पे, उसके कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे टाइप्स और कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा होता है मोड ऑफ ऑपरेशन, टाइप ऑफ ऑपरेशन के आधार पे, टाइप ऑफ ऑपरेशन के आधार पे। तो टाइप ऑफ ऑपरेशन के आधार पे हम लोग पढ़ रहे थे कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, एनालॉग, डिजिटल एंड। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? फटाफट बोलते जाओ। एनालॉग मतलब रेगुलर, कंटिन्यूअस। जैसे स्पीड, स्पीड मान लो कोई गाड़ी की 80 भी है, 70 भी है, 60 भी, लेकिन वो हमेशा है, वोल्टेज हमेशा है, कुछ अप डाउन हो सकता है। टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स भी बोल सकते हो। एनालॉग में किसी को डाउट? अब देखिए डिजिटल, डिजिटल क्या है? डिजिटल कंप्यूटर एक बार बताओ, व्हाट इज ए डिजिटल कंप्यूटर? बैठो तुम। डॉक्टर थोड़ा सा एडजस्ट कर। सुनो, एनालॉग कंप्यूटर समझ गए कि दैट वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस डेटा, दैट वर्क्स, उसके पास जो डेटा होती है एनालॉग में वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब लगातार फॉर्म में होती है। आप डिजिटल, डिजिटल क्या होगा? इसमें नंबर हो, न्यूमेरिक हो, अल्फाबेट हो, ग्राफिक दिखाता है, कैरेक्टर्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। आप सुनो, हम क्या करते हैं? स्विच को, क्या हो रहा है, स्विच को ऑन और ऑफ करते हैं। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल। स्विच को ऑन किया या ऑफ किया, ठीक है, डिजिटल प्रोसेस। आइदर ट्रू होगा या आइदर जीरो होगा और वन होगा, आइदर जीरो और वन, आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर ऑन एंड ऑफ। तो ये क्या हुआ? डिजिटल फॉर्मेट में ये काम कर रहा है। डिजिटल, जब आप बटन दबा दिए, जब प्रेस किए तभी चालू होगा, जैसे ही बंद किए इमीडिएट बंद हो जाएगा। लेकिन एनालॉग में क्या होता है? कंटिन्यूअस। आपका बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है, प्रेशर रहता ही है, वोल्टेज, अगर लाइट जल रही है तो कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा ही, अप डाउन होता रहता है, लेकिन कंटिन्यूअस रहता है। लेकिन लाइट को हमने ऑन ऑफ किया, या तो ऑन होगा या एक ही फॉर्म में होगा। देखो डिजिटल कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स काम किस पे करता है? नंबर्स पे, अल्फा न्यूमेरिक पे। जो इनपुट उसे मिलता हो, जो इनपुट डेटा उसे मिलता हो। लिखिए, आप जैसे आप अपने घर में वो कैलकुलेटर यूज करते हो, क्या है वो? ये सामने आ रही है। हाँ ध्यान दो, तो डिजिट सिंपल सी बात है, कभी नहीं भूलने वाला चीज। जैसे एनालॉग पे काम कर रहे हो तो डिजिट रेगुलर डेटा है तो कंटिन्यूअस डेटा है प्रेशर, और डिजिटल में जब डिजिटल के फॉर्म में आ जाए, नंबर्स के फॉर्म में आ जाए तो वो हो गया डिजिटल। लिखिए डिजिटल कंप्यूटर, ये सब चीजें ऐसे याद करके रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। डिफिनीशन याद कर लिए, हो सकता है एग्जाम के टाइम में स्लिप कर गया दिमाग से, लेकिन अब चीज पकड़ के रखोगे क्यों इसे डिजिटल कहते हैं, क्यों एनालॉग कहते हैं, फिर वो आज क्या 50 साल बाद में नहीं भूलोगे। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन, डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन डिजिटल डेटा। मैं बोल देता हूं, कोई पीछे बच्चा मिस करेगा तो मुझे रोक लेना वहीं पर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन डिजिटल डेटा such as numbers numbers में कोई डाउट समझने में 0 to 9 और कंप्यूटर में नंबर सिस्टम कितने होते हैं पढ़े हो तो बताओ फटाफट। पीछे का कोई बच्चा बताएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कंप्यूटर है। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी की बेस वैल्यू कितनी होती है? कौन कौन? ऑक्टल की उसमें कौन कौन नंबर होते हैं? डेसिमल की, बाइनरी की डेसिमल की बेस वैल्यू 10, 0 to 9। हेक्साडेसिमल की 16 का वो बताओ, 0 to 9 और कैपिटल ए से, मतलब 10 से 15 को डिनोट करते कैपिटल ए से लेके कैपिटल एफ तक। किसी बच्चे को डाउट? फुल स्टॉप लिखो, ज्यादा लिखो फुल स्टॉप के बाद ईटी यूजे। एक बार और बोल दीजिए ना। हाँ बताओ सर, एक बार और ये शुरू से बोल दीजिए। तो सर का लिखा है डिजिटल कंप्यूटर सच एज, देखो नंबर सिस्टम्स आर ऑफ 4 टाइप्स, लिखना है तो लिख भी लो, बाद में मत किसी को पूछना। नंबर सिस्टम आर ऑफ 4 टाइप्स, लिखिए लिख लीजिए आप लोग ऑनलाइन में जो बच्चे हैं। नंबर सिस्टम आर ऑफ 4 टाइप्स, फर्स्ट लिखिए बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, क्लास में आने का नतीजा देख रहे हो ना। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखो, बाइनरी नंबर सिस्टम हैज बेस वैल्यू 2। बाइनरी नंबर सिस्टम हैज बेस वैल्यू 2, उसमें लिखोगे 0 and 1, 0 and 1। दूसरा लिखो, लिख लिया बाइनरी नंबर सिस्टम आप लोग? यस सर। बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है बेस वैल्यू 2। बाइनरी नंबर सिस्टम है बेस वैल्यू 2, 0 and 1, 0 and 1। आप लोग ऑनलाइन सब लोग लिख लिए? यस सर। सेकेंड लिखो डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकेंड लिखिए आप लोग डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें लिखिए डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो बच्चे लिख रहे हैं यहाँ लिख लीजिए, डेसिमल नंबर सिस्टम है, बेस वैल्यू 10। डेसिमल नंबर सिस्टम है, बेस वैल्यू 10। देखिए 0 to 9 आप लोग लिख सकते हैं। नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें बेस वैल्यू 10 होती और जो इसका वैल्यू होता 0 to 9 होता। आप लोग लिख लिया ऑनलाइन? हाँ सर। अब लिखिए, आप लोग लिख रहे, बच्चे लिख रहे थे यहाँ पे। अब लिखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है? देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम है जो बेस वैल्यू ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम है जो बेस वैल्यू ऑफ 8। इट कंटेन्स नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। ऑनलाइन बच्चे लिख लिए सब? सर ऑक्टल नंबर फिर से बोलिए सर। यस सर, ऑप्शन नंबर सिस्टम है ये दिक्कत हो रहा है ऑप्शन के चक्कर। ऑप्शन नंबर सिस्टम है ए बेस वैल्यू 8। ऑप्शन नंबर सिस्टम है ये बेस वैल्यू 8। इट कंटेन्स नंबर्स फ्रॉम 0 to 7। इसका मतलब ये हुआ 0, 1, 2, 7 तक। ऐसा मत समझ लेना तुम लोग 0 और 7 ही केवल होता है, ऐसे बच्चे समझ जाते हैं। अब आप लोग लिख लिए सारे बच्चे ऑनलाइन? यस सर। यस सर। लास्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होगा? देखो ऑनलाइन बच्चे और क्लास में जो छूट गए वो भी लिखिए। हेक्साडेसिमल नंबर हैज बेस सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस वैल्यू ऑफ 16। हेक्साडेसिमल नंबर बेस सिस्टम हैज बेस वैल्यू 16 फ्रॉम, पहले लिख लो, पहले 1 to 15। ठीक है, इसमें लिखिए इट कंटेन्स वैल्यूज फ्रॉम। ऑनलाइन लिख लिए कि नहीं आप लोग? यस सर। यस सर, हो गया, लिख लिया सर। ठीक है, इट कंटेन्स वैल्यूज फ्रॉम 0 to 15। 0 to 15 हाँ, इसमें ध्यान देना कि 0 to 15 में 0 to 9 तो नंबर होता है। 0 to 9 इट कंटेन्स नंबर। आफ्टर दैट फ्रॉम 10 to 15 इट कंटेन्स अल्फाबेट। कैपिटल ए टू कैपिटल एफ। 10 to 15 कैपिटल ए टू कैपिटल एफ। A B C D E F। ऑनलाइन लिखे, आप लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे। यस सर। लिख लिया? क्या लिख लिए सर? समझ गया कि नहीं समझे कि 0 to 9 तो नंबर होता है, लेकिन उसके बाद 10 से 15 तक अल्फा वर्ड होता है। कैपिटल ए, बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ। समझ में आ रही इतनी बात? यस सर। अच्छा, अब कहाँ दिखा रहे थे इसमें? हाँ लिखो इट डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, इट यूजेज बाइनरी नंबर सिस्टम, इट यूजेज बाइनरी नंबर सिस्टम in which it uses binary number system in which there are only two digits. It uses binary number system in which there are only two digits, 0 and 1, 0 and 1. Full stop. Each one is called a bit. One is called a bit. It uses binary number system. It uses binary number system in which there are only two digits. In which there are only two digits, 0 and 1, 0 and 1. Full stop. Each one is called a bit. Each one is called a bit. ठीक है? What do you mean by bit? Bit का क्या मतलब होता है? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे होगे तो पता होगा। Bit is the smallest unit of memory. Bit, B-I-T. Bit is the smallest unit of memory. आप जैसे कोई भी काम करते हैं, सुन लो, आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में जो भी काम करते हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जब बीट मोड में आता है, जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जब ऑपरेशन रीड होता है, तो वो बीट के मोड में होता है। वो क्या करता है? बीट। जैसे हम एक, आपको पता है ये चीज होगी कि जो भी काम हम करते हैं, जो भी टास्क हम एग्जीक्यूट कराते हैं, सब रैम में जाकर एग्जीक्यूट होता है। स्टोर कहाँ पे होता है? सेकेंडरी मेमोरी का मतलब हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होता है, लेकिन जब उसी एप्लीकेशन को चलना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, तो कहाँ चलता है? प्राइमरी मेमोरी में वही एप्लीकेशन जाकर एग्जीक्यूट करता है। तो प्राइमरी मेमोरी में जब हम एप्लीकेशन के एग्जीक्यूट कराते हैं, एग्जीक्यूटिंग सम एप्लीकेशन, जैसे मूवी देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, हर कोई अपने आप में एक एप्लीकेशन है, एक प्रोसेस है। तो जब एप्लीकेशन रैम में चल रहा है, तो रैम में जो एप्लीकेशन, मान लो एक एप्लीकेशन 20 बीट लिए हुए मेमोरी, एक एप्लीकेशन 100 बीट लिए हुए है, तो जितना बीट होता है सब जाकर वर्ड के, एक एक वर्ड के रूप में फॉर्म होता है, और वो एड्रेस, लॉजिकली एड्रेस जनरेट करता है, इंस्ट्रक्शन काउंटर जनरेट होते हैं, पढ़े होगे आर्किटेक्चर में, पढ़ लिए होगे तुम लोग। तो इंस्ट्रक्शन काउंटर एग्जीक्यूट करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है, फिर जाके टास्क आपका एग्जीक्यूट करता है। आप देखे होंगे मल्टी प्रोग्रामिंग में एक साथ बहुत सारे टास्क चल रहे हैं, एमएस वर्ड पे भी काम हो रहा है, गाना भी सुन रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, कैलकुलेटर भी चला रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं। रैम तो एक ही है, प्राइमरी मेमोरी एक ही है, और सारे टास्क को एग्जीक्यूट करा रहा है, सबको टाइम दे रहा है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के द्वारा उस चीज को अचीव किया जाता है। ड्यू टू मल्टी प्रोग्रामिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के द्वारा, टाइम शेयरिंग के द्वारा हम अचीव करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दो, प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस? Program is real, process is real. Program is real. Process real होता है। आप बताइए। Program is real. सुन दो। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? ऑटो इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं सर। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, ध्यान देना, इससे बड़ी डिफिनेशन है अंडर एग्जीक्यूशन। अंडर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन। यही तो हम बोले। और आफ्टर एग्जीक्यूशन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोग्राम। जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा है, जब वो प्राइमरी मेमोरी में चल रहा है, तब वो क्या है? प्रोसेस। जब वो कंप्लीट हो गया, टास्क पूरा हो गया, तब अब लिखो, अब 16 बिट बताते ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पढ़ते हो तुम भाई? सर पढ़ा दिया गया है प्रोग्राम प्रोसेस सर, मैं बता रहा हूँ तुझे। और काम बंद करके पढ़ता हूँ। यस सर वही बात। कुछ और भी मन कर देता। 16 बिट सुनो, 16 बिट को कहीं 32 बिट आता, कहीं 64 आता, कहीं 128 आता है ना। 32 बिट सुनो, 32 बिट bit process at a time, 32 bit word, WORD, word process at a time, 64 bit है तो 64 bit process at a time, 128 bit है तो 128 bit word, WORD, word process at a time। तो आप देखते हो कि जब एप्लीकेशन चल रहा है, जितना हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम रहता है वो ज्यादा अच्छे से चलता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग वर्ड का मतलब मेमोरी का ज्यादा प्रोसेसिंग हो रहा है। मतलब 6 एप्लीकेशन चला तो 6 पर भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत जल्दी हो रही है। आप मार्कर लाए हो? बैग से लाना पड़ेगा। आप दिख नहीं रहे हैं। दिख रहे हैं अभी। ध्यान दो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो और समय बताते हो। सुखद बात बता रहे हो। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम नहीं है, दिक्कत ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रखा जाता है? सिस्टम बंद होने के बाद, सेकेंडरी में। सिस्टम बंद होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ चला गया? एसएम बोल सकते हैं या हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क में। जैसे ही हमने सिस्टम को ऑन किया, व्हेनेवर वी प्रोसेस द बटन ऑफ द सिस्टम, फिर क्या हुआ? यहाँ से इसमें गया। और एक चीज जान लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। पहला सेक्शन होता है लो मेमोरी, दूसरा होता है हाई मेमोरी। लो मेमोरी और हाई मेमोरी कहाँ है वो? तो क्या वहां से कौन क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ और उससे भी पहले आता है, दैट इज कॉल्ड बूट लोडर। बूट लोडिंग, बूटिंग प्रोसेस में बूटिंग करते हैं ना, तो बूट लोडर सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच है। जैसे प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी, चीफ मिनिस्टर की गाड़ी, जज की गाड़ी निकलती है तो 2-3 गाड़ी पहले निकलती है रोड क्लियर कराने के लिए। तो उस तरीके से बूट लोडर सबसे पहले एक्शन में आता है। कौन आता है? बूट लोडर आके प्राइमरी मेमोरी के लो मेमोरी सेक्शन में आके बैठ जाता है, और उसके पीछे पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम साथ में आ जाता है। तो बूट मुख्य लोडर जो लोड होता है विंडोज में, उसका नाम है ग्रब। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका नाम है ग्रब, ये ग्रब आता है पहले। लेकिन अगर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका नाम है लीलो। लीलो, दीज आर बूट लोडर, दीज आर बूट लोडर्स। यही सबसे पहले आपके मेमोरी में आता है सिस्टम को ऑन करने के बाद, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। काम क्या है, कारण क्या है? एवरीथिंग इज परफेक्ट और नॉट, मतलब जो हम करने जा रहे हैं कहीं कोई दिक्कत सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोई सा भी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा पहले बूट लोडर ही लोड होगा। एंड्रॉइड का नाम मुझे नहीं पता बूट लोडर का, क्योंकि ग्रब का मुझे पता है, विंडोज का ग्रब है, लाइनेक्स यूनिक्स का लीलो है, ये सबसे पहले आता है। अब इसका क्वेश्चन क्या था बच्चे का, और ये हाई मेमोरी सेक्शन है ऊपर, तो इसके नीचे हम काम नहीं कर सकते लो मेमोरी में, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अलाउ नहीं करता। यहाँ पे हाई मेमोरी में आ गए, एमएस वर्ड भी चल रहा है, एमएस एक्सेल भी चल रहा है, पावर पॉइंट भी चल रहा है, जावा भी चल रहा है, मूवी भी चल रहा है, सॉन्ग भी चल रहा है, ओरेकल भी चल रहा है, वेब ब्राउजर भी चल रहा है, सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ही हुआ ना, मोर देन वन प्रोग्राम इज रनिंग इन पैरेलल मैनर। सर ये ले रखा है, मान लो ये जो रैम है, और कहाँ गया वो वॉल्यूम जोड़ पड़ता है, उसको सुनाना पड़ेगा, हमारा गला फंस जाएगा। जैसा सुपर पावर है हमने, हाँ सुपर पावर है। सुनो, फर्स्ट बेंच वाला कुमारी है, इसका हल्ला कर रहा है सर। आदमी की कैपेसिटी अपनी ये तेरा क्या है कि मान लो ये टोटल रैम है, ये टोटल प्राइमरी मेमोरी है 1024 MB का। 1 GB में कितना MB होता? मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम में 200 MB का कैप्चर। अब इधर कोई नहीं प्रोग्राम आ सकता। अब इधर बचा 700, कितना बचा? 824 बचा। तो मान लो एमएस वर्ड 100 पे चल रहा है, एमएस एक्सेल 100 पे चल रहा है, पावर पॉइंट 100 पे चल रहा है, जावा 150 पे चल रहा है, मूवी 250 पे चल रहा है, सॉन्ग 50 MB पे चल रहा है, और एकल 100 MB पे चल रहा है, वेब ब्राउजर 100 पे चल रहा है। हो गया ना? हो गया। और एकल डेटाबेस है, और एकल ये डेटाबेस और तो भी कुछ इज्जत हो के सामने तुम्हें आएगा तो तुम्हें 5 लाख का पैकेट महीना तक मिल सकता है। उसका किसका नाम जी? ओरेकल डेटाबेस सबसे कॉस्टली डेटाबेस। हाँ अब सुनो, अब ध्यान देना इधर। अब क्या क्वेश्चन किसी ने पूछा था? अभी पूछे थे तो ये 100 MB लिए हुए है। कितना लिए हुए है? 100 MB लिए हुए है। तो सबसे पहले होता है कितने बीट में कितना बाइट? 8 बाइट में एक जाता है। 8 बीट में 1 बाइट। 1 बीट में कितना बाइट? 1 बाइट। 1 बीट में 8 बाइट होता है। देखो तो लिखते बाइट तो सर उल्टा हो गया सर, 8 इधर होगा 1 उधर होगा। तो 8 बाइट इक्वल टू 1 बीट। फिर गलती कर दिया सर, सर बहुत हल्ला कर रहा है सब। दिमाग से बताओ, 8 बाइट 820 होता है, 0 1 8 तो 1 बाइट होता है सर। 8 बीट बराबर 1 बाइट। 1 बीट बराबर 8 बाइट, इतना ही है ना? बाइट सर बड़ा हो गया सर, और 1 बाइट बराबर 8 बीट बोल रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको। बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है सर। क्या कर रही है? जी सर, सुनोगा ठीक है, 8 feet = 1 बाई। आगे बोलो, 16 feet = 2 बाई। ऐसे समझो कि अब यहाँ पर जब 100 MB पे आए तो 100 MB जैसे क्वेश्चन ने पूछा बच्चे ने 16 तो 32 feet मशीन होती है, 64 feet मशीन होती है, 128। तो अगर 16 feet मशीन है, मान लो कितना मशीन है आपका कंप्यूटर 16 feet, तो 16 feet जो होगा कैलकुलेशन एट ए टाइम हो जाएगा। मतलब इसमें 6 बार में कैलकुलेशन इस पेज का हो जाएगा। तो 16 feet में कितना होगा 6 बार में। अगर 32 feet मशीन हो गई तब कैलकुलेशन कितना बार में हो जाएगा मेथड का 3 बार में मान के चलो, चौथा छोटा है। अगर 64 feet मशीन है तो मैक्सिमम 2 बार। तो यही होता कि 16 feet मतलब 16 feet वर्ड प्रोसेस एट ए टाइम होगा। 64 feet का मतलब 64 feet प्रोसेस एट ए टाइम होगा। 128 feet वर्ड का मतलब 128 वर्ड प्रोसेस एट ए टाइम, एक बार में। एट ए टाइम का मतलब एक बार में होगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे जब पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्ट्रक्शन काउंटर होता, रजिस्टर होता, पॉइंटर होता, डायरेक्टर होता, तब इस सब काम जाता है। वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास में सीखोगे सर। क्या सर, बीट मेमोरी नहीं है, बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे दूध को आप मैप करते हो लीटर में, चावल दाल को किलोग्राम में, तो किलोग्राम क्या हो गया? वेट नापने का तरीका है और क्या है? तो बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी। और किसी का नहीं है तो कंप्यूटर सिस्टम बनता है, तो बनता है 16 feet मशीन, 32 feet मशीन। जैसे बस की कैपेसिटी, किसी बस की कैपेसिटी 40 होती, किसी की 60 होती, किसी की 50 होती। क्या होता है कि उतने लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो 16 feet वर्ड का मतलब 16 feet वर्ड प्रोसेस जो होगा एक समय में हो जाएगा। जैसे आप मान लो एक 16 feet वर्ड, जैसे ये MS वर्ड जो फाइल है 100 MB एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका काम फिनिश हो जाएगा। तो 16 feet वर्ड हुआ तो 6 बार करेंगे, 16×6 = 96, तब जाके काम होगा। होगा ना? वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम करता है वो सब। तो काम ऑपरेटिंग सिस्टम को 32 feet मशीन मिल गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम 32 feet के हिसाब से काम करेगा। 64 feet मिला तो ऑपरेटिंग सिस्टम 64 feet के हिसाब से काम करेगा। जितना हाई कॉन्फ़िगरेशन उतना स्पीड उसका फास्ट होगा। हाँ, किसको दिक्कत होगी, किसको हो जा रहा है? किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो बताओ, कल से हम उसी तरीके से लेंगे। खड़ा करके सर बिल्कुल कल से करेंगे। 1 to 10 खड़ा हो जाओ, 10 to 20 ये तरीका ही है। तो कुछ बच्चों ने कहा है कि अटेंडेंस गड़बड़ा रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सर इसी तरह ठीक है सर, बच्चे बोलेंगे तो हाँ। किसी अटेंडेंस मिस हो रहा था बार बार, तो कम नीचे गए, खुदा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सब बच्चों को स्टैंड अप करवा के अटेंडेंस लीजिए। 1 to 10 मैंने बोला तो 1 से 10 के बच्चे खड़े हो गए, 10 से 20 बोला 10 से 20 तक के बच्चे खड़े हो गए, 20 30 बोला इस तरीके से। कितने बच्चे आए क्लास में? कितना? ये सब क्वेश्चन जो तुम रेज किए, ये सब क्वेश्चन नहीं, नहीं ये सब क्वेश्चन मेमोरी का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटरव्यू पर्पस के लिए। नहीं नहीं हम नहीं कर रहे, रेज करना चाहिए क्वेश्चन, रेज करना। तुम यहाँ आए तो फीस क्यों दे रहे हो? पढ़ने के लिए दे रहे हो, ऐसा नहीं कि फ्री में हो। हाँ लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीजें समझ में आ रही कि ऊपर से बाउंस कर रही है? शोर बहुत बच्चे पूछेंगे तो आपको सबके हिसाब से चलना पड़ता है। नहीं उसमें जो मशीन में जो होता है, मशीन एक्सेसिंग, कल हम ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरे टॉपिक का बताएंगे नहीं, कल हम अपना टॉपिक करेंगे। तो चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा कल, मतलब कल है 3 तारीख, 5-6 तक कल है।